तो प्रॉब्लम में बोल रखा है इन ट्राइंगल एबीसी अपन को प्रूव करना है कि रूट ऑफ साइन ए प्लस रूट ऑफ साइन बी प्लस रूट ऑफ साइन सी का जो सम है वो लेस देन इक्वल टू होगा 3 टाइम्स 3/4 की पावर 1/4। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो मैं एक चीज बताता हूँ कि एक्स वाई एंड जेड यहाँ पर अपने पास पॉजिटिव रियल नंबर लेता है, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इस तरीके से। और अब तुम्हें ये तो पता ही है कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो सम होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2xy होगा। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy की जगह प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2yz की जगह प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2zx की जगह। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो अब मैं यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन ए ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन बी ले लेता हूँ एंड z इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन सी ले लेता हूँ। इस तरीके से ले लिए, यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, तो रूट ऑफ साइन ए प्लस रूट ऑफ साइन बी प्लस रूट ऑफ साइन सी का जो होल स्क्वायर है ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3 टाइम्स यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इस तरीके से आएगा। और ट्रायंगल में तुम्हें पता ही होगा कि जो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3√3/2 होता है। यहाँ पर 3 × √3/2 और इक्वलिटी कब आती है जब ए बी एंड सी एंगल यहाँ पर π/3 के इक्वल होता है। सो तुम्हें ट्रायंगल में ये पता होगा, सो ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3 × √3/2, इससे यहाँ पे ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होगा ये। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि रूट ऑफ साइन ए प्लस रूट ऑफ साइन बी प्लस रूट ऑफ साइन सी का जो होल स्क्वायर है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू यहाँ पर 9√3/2 इस तरीके से होगा। सो यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ, सो रूट ऑफ साइन ए प्लस रूट ऑफ साइन बी प्लस रूट ऑफ साइन सी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू यहाँ पर अगर अपन देखें सो 9√3/2 की पावर 1/2। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इसको 3 × √3/4 एंड 2 की पावर 1/2 इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। और जिसको तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो 3 × √3/4 की पावर 1/4, और यही अपन को प्रॉब्लम में प्रूव करना था। सो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। तो अब तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।